जो है मस्जिद है। के सलाम का जवाब जरूर दिया। जी जी हमारा कबाब है। भूखा में मर गया समझ गया ना, कहे तू 5 मिनट ना देना। जी नज़ीर अंजम कबाब फरोश अन्ना चौक। यहाँ पर आगे जो है जंदर भी हैं, और यहाँ पे सबसे फेमस कुछ भी नहीं है वैसे देखा जाए। छत्रप्लेन के पुराने यूट्यूबर जो है वो भी यहाँ पर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। जाबिता है बॉलिंग के लिए, और पहली बॉल उन्होंने मिस की है, अभी दूसरी बॉल है और उन्होंने बॉल को गुम कर दिया है और बॉल जाके लगी है सामने घर में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज मैं अभी फजर की नमाज़ पढ़कर निकला हूँ। ये आप देख सकते हैं ये हमारी जो है मस्जिद है ऊपर, और मस्जिद से मैं अभी निकला हूँ, आते आते मैं अपने घर पहुँचने वाला हूँ। तो आज मैंने सलाम किया आप सबको, जो मेरे व्यूवर्स हैं वीडियो को देख रहे हैं उन सब से रिक्वेस्ट ये है कि आपको मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि सलाम का जवाब लाजमी दिया करें। कमेंट बॉक्स में ना सही, आप जो है वहीं जहां बैठे हैं ऊंची आवाज़ में वालेकुम अस्सलाम कह दिया करें। आज आप सबको मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या वीडियो को लाइक करें या जो है कमेंट किया करें, कुछ भी ना करें, लेकिन आप सलाम का जवाब ज़रूर दिया करें। और एक मुसलमान होने के नाते सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि फजर की नमाज़ ज़रूर पढ़ा करें, और फजर की नमाज़ के बाद थोड़ी सी तलावत किया करें। उसकी वजह से क्या होगा कि आपके दिन के सारे काम जो है वो सारे काम ठीक हो जाएंगे। तो अभी मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद मैं तलावत करूँगा। ये हमारा डेली की रूटीन होती है, फजर की नमाज़ के बाद की रूटीन, और फजर की नमाज़ के बाद फिर हम लोग जो है मैं कभी थोड़ा सा सो जाता हूँ, कभी नहीं भी सोता तो चला जाता हूँ शॉप के। जो सुबह जल्दी उठता है और जल्दी उठ के सुबह अल्लाह का नाम लेता है, नमाज़ पढ़ता है और अपने जो है तलावत करता है, तलावत करने के बाद फिर जो है वो अपने काम पर निकलता है, तो पूरे दिन के जितने काम भी होते हैं उस सब कामों में अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देते हैं। तो चलें जी शुरू करते हैं अच्छी खूबसूरत वीडियो। शुरू में मैंने वो कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है और लाइक करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट कि सलाम का जवाब ज़रूर दिया करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये हम लोग अभी आए हैं बटल में, हमारे एक दोस्त आदिल खान जो है वो यहाँ रहते हैं, उन्होंने हमें जो है कहा कि भी आप हमारे साथ लाजमी आए। तो जी आप देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद हैं जमील खान, ये मेरे साथ शॉप के साथ इनकी शॉप है, और पानी के गिलास उन्होंने काफ़ी टाइम साथ में पकड़ा हुआ पीने के लिए। और ये जी हमारा कबाब है, साथ में सलाद है, और ये हमारा कबाब, ये चटनी है दो किस्म की, और ये है रोटियाँ, ठीक है। तो ये साहब जो है ना इन्होंने थोड़ा सा खा भी लिए। अभी आदिल जो है वो नहीं आया, उनके इंतज़ार में हम लोग बैठे हुए हैं, और वो आएंगे इंशाल्लाह तो हम लोग फिर शुरू करेंगे। वो आने ही वाले हैं, देखते हैं कितने टाइम में वो आते हैं। ये जी काफ़ी इंतज़ार के बाद हमारे जो मेज़बान हैं वो आ चुके हैं, और हम मेहमान जो है ना हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा जो है ना हम कहते हैं निका निका, थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने खा भी लिया है। तो ये जी हमारे जो मेज़बान हैं जो हमें खिला रहे हैं वो अभी आ चुके हैं। तो मुझे टाइम लाया यार, अच्छा भूखा में मर गया सर, भूखा में मर गया सर समझ गया ना, कह तू 5 मिनट ना देना। तो वे सभी जो है खाना वाना हमने खा लिया, और यहाँ पे हमने बैठ के खाया था, और इनके पास अभी कड़ाई ठंडी है क्योंकि अभी मेरे ख्याल से कोई ऑर्डर नहीं है। क्या जी ठीक हो, खैरियत अच्छे हो क्या? अस्सलाम वालेकुम। और ये इनके पास जो है ना बाकी जो है ये है जी नज़ीर अंजम कबाब फरोश अन्ना चौक, भाई कोई बोर्ड नहीं लगा हो, ये बटल में है, अब जब भी आए यहाँ पर आप कबाब खा सकते हैं। तो अभी ये हमारी हो गई है वापसी, ये बाइक पर हम लोग बैठे हुए हैं,
ये आप देख सकते हैं अभी हम लोग जो है ना ये पटल जो है जहाँ पर यहाँ पर आगे जो है जंदर भी हैं जिसको पंजगी बोलते हैं, ये यहाँ से आगे इस रास्ते पे आते हैं। मौसम काफ़ी बेहतर है, मौसम जो है मैंने आपको शुरू बताया था कि मौसम जो है वो काफ़ी आज बेहतरीन मौसम है, आउट क्लास जिसको हम लोग कह सकते हैं। और बाइक हमने किया हुआ है न्यूट्रल, स्लो स्लो हम लोग जा रहे हैं। और ये जो सी जगह है यहाँ पे काफ़ी वर्कशॉप्स वगैरह बनी हुई हैं, दोस्ती टेंट सर्विस वालों की गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, दोस्ती टेंट सर्विस वाले भी माशाल्लाह जो है हमारे साथ उनके, और ये सर्विस स्टेशन एक ये है, और एक उसके अलावा जो है एक सर्विस स्टेशन यहाँ पर है। और यहाँ पे जी सबसे फेमस जो है किसे फेमस हो यहाँ पे, सबसे फेमस कुछ भी नहीं है वैसे देखा जाए, फेमस कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये बताया हम आपको बता कह सकते हैं ये सर्विस स्टेशन बहुत पुराना है। A few hours later. तो व्यूअर्स वेलकम बैक हो गया आपको यूट्यूब चैनल में। अभी जो है आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा, चले आ रहा है अभी, ठीक है तो चलते हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी। ये पीछे जो है हमारी दुकान के पीछे जो है ग्राउंड है, तो वहाँ चलते हैं हम लोग मैच देखने के लिए और आपको भी दिखाते हैं जी। तो चलें जी, लेट्स गो। तो व्यूअर्स अभी जो है मैच जो शुरू था यहाँ पर, लच्छीमंग वालों की जो बैटिंग थी उन्होंने जो है 10 ओवर्स में 114 रन बनाए हैं, 115 का टारगेट था। और अभी दूसरी बैटिंग जारी है और अभी 2 ओवर्स में 14 रन चाहिए, 12 बॉल और 14 रन चाहिए। अभी जी 12 बॉल और 12 बॉलों पे 14 रन चाहिए, देखते हैं क्या होता है। सॉरी जी, 12 बॉलें और 17 रन चाहिए। और इस वक्त जो बॉलिंग करवा रहे हैं वो लच्छीमंग वाले पीर जावेद शाह के बेटे हैं। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा हम लोग लच्छीमंग के विज़िट करने के लिए गए थे वहाँ। आज छतर प्लेन के ग्राउंड का बड़ा ज़बरदस्त मौसम। तो भाई हमें कमेंट्री की समझ तो नहीं आ रही, बाकी ज़बरदस्त बॉलिंग कैच ड्रॉप कर दिए, लेकिन यहाँ पर कैच जो है वो नहीं कर सकता था। ग्यारह बॉल पे अभी चाहिए जी कोई 12 रन, 10 बॉल पे 11 रन चाहिए अभी। मैच जो है काफ़ी फंस चुका है। बहुत ज़बरदस्त उमदा शॉट मारी है इन्होंने अवेश को, बहुत ज़बरदस्त। इस ओवर की 4 बॉलें हो चुकी हैं और 8 बॉलों पर 6 रन चाहिए। मैच अभी जो है ना लच्छीमंग वालों से निकल चुका है, 99% जो है मैच उनके हाथ से निकल चुका है, क्योंकि दोनों जो प्लेयर खड़े हैं काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी अच्छे प्लेयर नज़र आ रहे हैं। एक और वाइड फेंकी है,
और ये मुख्तलिफ जो है अभी सफर में तीन चार वाइडें फेंक चुकी हैं, तो उन वाइडों की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। यार बेहतरीन अंदाज से खेलें, इनके मैच इनके हाथ में है, इनको क्या कोई टेंशन नहीं है। 7 बॉलों में 5 रन सही हैं, अभी कुछ भी हो सकता है। और एक और वाइड फेंकिए, चैलेंज। अब ये एक ओवर चाहिए और एक ओवर में सिर्फ 4 रन जीतने के लिए चाहिए, देखते हैं क्या होता है। बहरहाल बिल्कुल कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। छतरप्लेन के पुराने यूट्यूबर जो है वो भी यहाँ पर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। जाबेद हैं बॉलिंग के लिए और पहली बॉल उन्होंने मिस की है, अभी दूसरी बॉल है और बॉल को गुम कर दिया है और बॉल जाके लगी है सामने घर में और उनकी टीम का सेलिब्रेशन। तो चलें जी, क्रिकेट में जो है हार जीत होती रहती है। सो व्यूअर्स, फाइनली अभी जो है जो मैच था हमने देख रहे थे वो ख़त्म हो चुका है और हम लोग अभी जो है वापस अभी जा रहे हैं, क्योंकि नमाज़ का टाइम होने वाला है, असर की नमाज़ का टाइम, और असर की नमाज़ का भी हम नमाज़ पढ़ेंगे। उसके बाद एक मैच और होने वाला है, तो इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएँगे। अगर कोई अच्छा मैच हुआ, सनसनी खैज मैच हुआ, तो आपको वो भी दिखाएंगे। सो वैसे ये जो है अभी मैच खेला गया, माशाल्लाह काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच हुआ, ज़बरदस्त और सनसनी खैज भी हुआ। तो चलें जी, मैच में हार जीत रहती है, ये एक ही इलाके की जगह, एक ही इलाका है और एक ही तरह के लोग हैं सारे, तो ये हार जीत जो है ये खेल का हिस्सा है। तो चलें जी, ये आज का जो व्लॉग था, इसमें शुरू में मैंने आपको एक बात कही थी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, लेकिन आप सलाम का जवाब दे दिया करें, जो इंतहाई ज़रूरी है। कमेंट बॉक्स में दिया करें या आप वहीं पे ऊँची आवाज़ में वालेकुम अस्सलाम कह दिया करें। तो चलें जी, मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए वसीम चौक को इजाज़त, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।